things that you say. वेलकम टू माई चैनल ऑसम इंडियन मॉम। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, बहुत यूजफुल प्रोडक्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस बिजी लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए हम पार्लर की कोई बुकिंग लें या फिर अपने पैरों की देखभाल के लिए जाएं या कोई स्पा लें। तो एक ऐसा प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगी जो आप डेली यूज कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट आपको निकालने हैं, वो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे सेशन पार्लर में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उससे जो है आपके पैरों की देखभाल भी बहुत अच्छे से होगी। तो अभी जो है आ चुकी है समर्स, तो विंटर्स के टाइम पे क्या होता है कि ज्यादातर हम शूज पहनते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं अपनी एड़ियों की तरफ या पैरों की तरफ, लेकिन अब जो है समर्स आ गए हैं, समर्स में जो है विजिबल होती हैं सारी चीज़ें। अगर आपकी क्रैक हील है, रफ स्किन है, तो वो सब विजिबल होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी इस तरीके का सैंडल पहन रहे हैं तो उसमें वो एड़ियां बहुत ज़्यादा विजिबल होती हैं जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। तो आज जो है मैं आपको एक ऐसा ही प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं। ये है डॉक्टर फुट का फुट हील जेल। ये जेल है अगर आपकी एड़ियां जो है ड्राई हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो चुकी है वहाँ की स्किन, और आप देखेंगे कुछ परत जो है ऐसे टूट टूट के गिरती है, वो रफ हो जाती हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चराइज़र ठीक से आप नहीं लगाएंगे और प्रॉपर जो एड़ियों वाला मॉइस्चराइज़र यानी जो फुट के लिए बना हुआ मॉइस्चराइज़र अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे तो यही हाल होता है एड़ियों का। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रॉपर जो चीज़ जहाँ के लिए बनी हुई है वो वहाँ यूज़ की जाए। तो ये है फुट हील जेल जो आप अपने पैरों के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये जो है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा जो भी फटी एड़ियाँ हैं उनको, बहुत जल्दी उनको ट्रीट करेगा। रफ है वहाँ की स्किन, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है कई बार जब केयर नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो है आप इसको लगा सकते हैं। प्रोडक्ट जो है क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, वीगन है, इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक यूज़ नहीं किया गया है, तो आप इसको लगा सकते हैं बिना डरे। इसको लगाने का एक तरीका, अगर आप शावर लेकर आ रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, बेड टाइम पे आप इसको जब सोने से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो गर्म पानी में, हल्का सा वार्म वाटर में अपने पैरों को आप जो है सोक कीजिए और उसके बाद इसको अप्लाई करिए, और बहुत ही आपकी जो एड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। रफ स्किन है अगर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गई है, ड्राई हो गई है स्किन, तो वो धीरे धीरे जो है ट्रीट होनी शुरू हो जाएगी। एड़ियों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये भी हमारे बॉडी का वो पार्ट है जिसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे जो है ये हार्ड होती जाती है स्किन, क्रैक्स बढ़ते जाते हैं और वो बहुत पेनफुल होते जाते हैं। तो इसलिए एड़ियों का ध्यान भी आपको रखना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का जेल है। ये आप देखेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल होता है, ये देखेंगे आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये जेल, और इसको आप लगाएंगे, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, एकदम से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम से आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें जो है सैलिसिलिक एसिड है जो कि मॉइस्चराइज रखता है स्किन को, सॉफ्टनेस देता है स्किन को, तो काफ़ी सॉफ्ट जो है वो एड़ियाँ हो जाएंगी आपकी। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, drfootin.com जो है आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, बाकी जो लिंक्स है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में। बाय।